महाराज जनक की जय हो। द्वारपाल महाराज देखो, द्वारपाल आज महाराज महाशिवरात्रि का दिन है। सही कहा कि हम महाराज, इसलिए द्वारपाल मैं गंगा स्नान को जा रहा हूँ और बेटी सीता, बेटी सीता बोलो पिताश्री, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक आज्ञा है बेटी सीता। कौन सी आज्ञा पिताश्री? जा बेटी सीता, महलों में जो सफाई का कार्य पड़ा हुआ है उसको अतिशीघ्र करके वापस आओ। जैसे क्या पिताश्री? द्वारपाल द्वारपाल मेरी बेटी सीता को ले करके जाओ और महलों में जो सफाई हेतु कार्य पड़ा है उसको अतिशीघ्र करवाओ। ठीक है महाराज, जाओ द्वारपाल। का बेटिया झाड़ू ले, जाओ महलों को झाड़ू ले, बढ़नी ले। बढ़नी उठा ले, बढ़नी उठा लगा तो पतन्ना ला। ठीक कोई बात नहीं, ले पतन्ना ले चलो, चलो। घर भरे में चौका लगा दियो, चलो चलो चलो।
चलो बेटिया महल की सफाई हो जाए। चलो 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 सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, बैठ जाओ सब तो। धन्यवाद। जाओ बेटिया तुम घरे जाओ। द्वारपाल महाराज महल की सफाई हो गई? जी महाराज अवश्य। द्वारपाल देख लीजिए महाराज आपके सारे महल की सफाई हो चुकी है। ये क्या द्वारपाल महाराज शिव धनुष इस जगह से दूसरी जगह पे रखा हुआ है, ये किसने रखा द्वारपाल? महाराज इसमें अचरज की बात क्या है, आपकी पुत्री सीता ने धनुष को एक हाथ से उठा लिया और सफाई करते हुए पुनः दूसरी जगह पे रख दिया। क्या? जी महाराज मेरी बेटी सीता ने इस धनुष को एक हाथ से उठा करके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया? जी 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 ऐसी बात है द्वारपाल। तो मैं एक प्रतिज्ञा करता हूँ द्वारपाल। ऐसी प्रतिज्ञा? आज मैं एक प्रतिज्ञा करता हूँ, जानते हो द्वारपाल? महाराज कि बेटी ने इसे उठाया है जो वीर धनुष को तोड़ेगा। को तोड़ेगा और सीता बेटी के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। सीता बेटी के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। द्वारपाल अगर मेरी बेटी सीता ने इस धनुष को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पे रख दिया तो मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ द्वारपाल जो भी वीर पुरुष इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूँगा। द्वारपाल और द्वारपाल तुम्हारे लिए एक आज्ञा है। द्वारपाल कहिए। जाओ द्वारपाल सारे नगर में ढिंढोरे पिटवा दो कि महाराज जनक के वहाँ स्वयंवर है और सभी राजागण आए और स्वयंवर में पधार कर अपने बल की आजमाइश करें। जो भी राजागण इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। द्वारपाल ठीक है महाराज। और द्वारपाल एक निमंत्रण तुम्हें खास करके ले जाना है। वो कौन सा निमंत्रण है? जाओ द्वारपाल महामुनि बक्सल निवासी विश्वामित्र के पास चले जाओ और उनके पास हमारा निमंत्रण पत्र पहुंचा दो और ये बतला देना कि महाराज जनक के वहाँ स्वयंवर है उसमें आपका आना अनिवार्य है। जी महाराज जैसे आज्ञा वैसा कार्य। जाओ द्वारपाल। महाराज के आज्ञा है नगर नगर में ढिंढोरा पीट दो, देश देशांतरों में सभी राजा गड़ाएंगे ढिंढोरा पीटते हो क्या करें। एक दो और साढ़े तीन ये
मुनादी हे मुनादी, बियाव है ना शादी, अम्मा है ना दादी, ई तीनों काम करी है ई खुदाई प्रसादी। आप लोगों को सूचित किया जाता है कि महाराज जनक ने वहाँ एक विशाल धनुहा रखा हुआ है। उस विशाल धनुष को जो भी वीर पुरुष तोड़ देगा, उसी के साथ में महाराज जनक की पुत्री सीता का विवाह होगा। इसलिए सभी लोग आए और अपना अपना बल आजमाए, धनुष का खंडन करें, सीता से विवाह करें। अब मुझे चलना चाहिए बक्सर निवासी महामुनि विश्वामित्र जी के पास। हाय की अरे मोरे मुसो, धीरे धीरे पी रही मोरे, आवई तो कोई नाही, गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव कहो बच्चा, बाबा न्योता लेकर आया नहीं, ये कहाँ का निमंत्रण लेकर के आए हो? जनकपुर का। अच्छा, जनकपुर में महाराज जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं, उसमें आपको निमंत्रण भेजा है। ठीक है बच्चा, अगर तुम पत्र जनकपुर से लेकर के आए हो तो बहुत अच्छी बात है। इस पत्ते का को मुझे लाओ। ले गुरुदेव, आयो आयो बाबा, बाबा निकले है। फट 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 मोर कहीं के। अरे संतों के पास कहीं संतनिया भी होती हैं? अरे ये बताओ, चेला चपरो को लेकर के आना, उसको मैं साथ में लेकर के आऊंगा। हाँ 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 हाँ, चैला चापर सब ले आओ, और खाना पानी की व्यवस्था है सबको, एक दिन एडवांस खा जाओ। अच्छा, और खाओ पियो है बाबा। ठीक है। अच्छा बाबा नमस्ते। श्रीमान बबलू सिंह भैया मलिकापुर की तरफ से 20 रुपए का शानदार इनाम पार्टी तरफ से, धन्यवाद। गुरुदेव के चरण कमलों में रामवा लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार कर। हे गुरुदेव, मैं आपके हाथों में एक पत्रिका कैसे देख रहा हूँ? बेटा राम, आप ये जानना चाहते हो कि हमारे हाथों में पत्रिका किस प्रकार की है? अवश्य गुरुदेव। शे बेटा राम, कि जनकपुरी से आया है पत्र है बेटा राम।
बेटा राम, ये जनकपुरी से पत्र आया हुआ है और शिया का स्वयंवर है। उसी स्वयंवर में जनक ने मुझे निमंत्रण भेजा है और मुझे निमंत्रण के लिए अवश्य जाना है बेटा राम। हे गुरुदेव, आप निमंत्रण के हुए तो जाएंगे, अगर जो आपकी आज्ञा हो जाए तो क्यों ना हम और हमारे भैया लक्ष्मण आपके साथ में चले। क्यों नहीं बेटा राम, अगर गुरु जाएगा तो गुरु के शिष्य क्यों नहीं जाएंगे। अवश्य मैं तो चले चलूंगा जनकपुरी की शोभा दिखाने के लिए। चलो गुरुदेव। चलो बेटा राम। कहो गुरुदेव। जानते हो बेटा राम, क्योंकि मुझे पूजा का हमारा समय हो गया है, इसलिए मुझे कुछ पुष्पों की आवश्यकता है और मुझे पुष्प ला करके अवश्य दो बेटा राम। हे गुरुदेव, अगर ऐसी बात है तो मैं अवश्य जा रहा हूँ और आपके लिए पुष्प लेकर के आ रहा हूँ। आओ भैया लक्ष्मण। ठहरे बेटा राम, मैं तो तुम्हें आदेश दिया हूँ, परंतु अपने भैया लक्ष्मण को साथ में कहाँ ले जा रहे हैं। हे गुरुदेव, अगर ये आप जानना चाहते हो कि मैं अपने भैया लक्ष्मण को किस लिए जा रहा हूँ, तो हे गुरुदेव बोलो बेटा राम। लिए जा रहा हूँ। क्या बेटा राम, तुम फूलों को तोड़ोगे और तुम्हारा भ्रात लक्ष्मण धोने को बनाएगा। हाँ गुरुदेव। ठीक है बेटा राम, मैं समझ गया तुम्हारी चतुराई को। ठीक है गुरुदेव, मैं जा रहा हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ठहरो बेटा राम, जाते हो तो हमारे लिए पुष्प जरूर आवश्यक लेते आना, क्योंकि मेरा पूजा का समय हो गया। हेलो। हाँ श्रीमान, ये आ गए हमारे आर के स्टूडियो इस्माइलगंज सीतापुर।
इनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम पार्टी के लिए आया है। धन्यवाद। आप लोगों की समझ लाइव यूट्यूब चल रहा है, आरके स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। सीधा प्रसारण आप लोगों की समझ प्रस्तुत है और इस सीधा प्रसारण के द्वारा आप लोगों के मोबाइल पर कार्यक्रम डायरेक्ट दिखाया जाएगा। धन्यवाद। जा रही हूँ हे बहन, आज गौरी पूजा का दिन है, आज मैं जा रही पुष्पाठिका को। ओ, तो आज गौरी पूजने का दिन ही, इसलिए पुष्पाठिका को जा रही हूँ। हाँ बहन, चलो मैं भी चलती हूँ। क्या बहन, आप भी चलोगी? हाँ। और बहन गीता ये भी चलेगी, बहन संगीता ये भी चलेगी, सभी लोग चलोगे? चलेगी। चलो बहन, वो भी चलेगा। चलो बहन, चलो किरो में झूम झुकी जाती है मस्त डालिया, रो में झूम झुकी मस्त डालिया हो कि मस्त डाली, हम तो बगिया में रहा बहुत दूर तक ढूंढ जाए माली भैया तुम का। हाँ दूर रहा बुआ ना बनो ज्यादा। ए माली भैया देखो हम और सखियों और सीते बहने पुष्पाठिका को जा रही है, फूल तो निकली। अच्छा तुम छावरे ले जा रहे हो? हाँ, और तुम्हें इस बाग की पहरेदारी करना है तुम्हें। अच्छा ठीक है माली भैया। हाँ पहरेदारी करो। और अगर कोई आ गया पुरुष अंदर तो? पुरुष कैसे आ गए हमरे होते हुए टांगे नोंडा भैया? और अगर आ गया तो समझ जाओ। हाँ समझ, नौकरी से निकलवा दूंगी महाराज से कहकर। और फिर जानते हो क्या करोगे? हाँ मेलों में गुब्बारा बेचोगे। हाँ गुब्बारा बेच। और क्या, यू काम वो हारमोनिया वाला करती है। वो तो बचपन से कह रहा। चलो ठीक है, ठीक है जाओ। चलो सीते बहन फूल तुम के लिए जाओ, तुम लोग बगिए जाओ और टेंशन फ्री रहो।